राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री ऑफिस में कैबिनेट की बैठक लेंगे। सभी मंत्रियों को सीएमओ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा की दूसरी कैबिनेट बैठक है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बैठक में कई नीतिगत निर्णय लेने हैं, इसीलिए बैठक अहम मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएमओ में बैठक आयोजित होगी, दूसरी ये बैठक, इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। कई अहम फैसले इस बैठक में किए जा सकते हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा। राजनारायण, जिस प्रकार से बैठक बुलाई गई है लोकसभा चुनाव से पहले, तो क्या माना जा सकता है कि बड़ी सौगात इस बैठक के बाद में राजस्थान की जनता को मिल सकती है? देखिए आशीष, सबसे पहले बता दूं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, केंद्र ने डीए बढ़ाया है, केंद्र सरकार ने डीए बढ़ा दिया केंद्रीय कर्मचारियों का, तो ये कैबिनेट जो है डीए वृद्धि कर सकती है, राजस्थान के कर्मचारियों को नया सौगात मिल सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले कब जो है ये दूसरी बैठक है भजनलाल शर्मा की, उसमें ये बहुत बड़ा फैसला होना है। तो आज जो है वो डीए की सौगात जो है राजस्थान के कर्मचारियों को भजनलाल सरकार दे सकती है। इसके अलावा बहुत अहम जो नीतिगत निर्णय है वो होने हैं, ऐसे में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों की जो है अलग अलग टाइम पे बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, समय बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी और जो सरकार है वो क्या जनता को सौगात दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होने वाला है डीए को लेकर घोषणा हो सकती है। ये तो जी बिल्कुल भजनलाल सरकार जी बिल्कुल राजनारायण, डीए को लेकर चर्चा हो सकती है, उसको लेकर के घोषणा हो सकती है, तो आम बात है। लेकिन मिशन 25 को लेकर के फोकस होगा भजनलाल सरकार को, केंद्र को, आलाकमान को खुश करने के लिए कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक भी खेलना पड़ेगा, और संभवतः इस मीटिंग से कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर के भी निशाने पर रही है सरकार। जब से सरकार बनी है, विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर के भुनाता रहा है, मुद्दा बनाता रहा है कि पेट्रोल डीजल को लेकर के जो वादे किए गए थे चुनावी मैदान में, वो वादे नहीं निभाए हैं, तो क्या उस पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, पेट्रोल डीजल से भी जो है उस पर मुद्दा उठ सकता है। इसके अलावा जो बिजली मंत्री ने जो बयान दिया था कि बिजली का बिल जो है लोगों के घरों में नहीं पहुंचेगा, तो हो सकता है वो भी मुद्दा एक जो है रखा जा सकता है कैबिनेट में। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, उनका फैसला जो है आचार संहिता से पहले पहले भजनलाल सरकार करना चाहती है, ताकि इन मुद्दों को जो है वो लोकसभा चुनाव में भुनाया जा सके। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा, जिन्होंने बताया कि बैठक अहम है और इस बैठक से कई अहम फैसले निकलकर बाहर आ सकते हैं।